फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलो आ जाते हैं, ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बच्चे इसको रट जाना है, फॉर्मूले को बाद में मत बोलना, बोला नहीं है, बोर्ड है, बोर्ड बोर्ड में पूछेगा, कोई जेई मेंस में नहीं पूछेगा। अब आ जाओ इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए वही हमारा जो फर्स्ट थ्योरम था एडजॉइंट का, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, वो यूज़ कर लेंगे। क्या होता है ये फॉर्मूला होता है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये होता है ना। यहाँ पे इफ अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, बिकॉज ए इज अ नॉन सिंगुलर। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए से दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए जो है वो जीरो नहीं है। तो हमें क्या मिल गया, ए डिटर्मिनेंट ए तो रियल नंबर है, तो ए इंटू हमने ऐसे लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, ये क्या हो गया, आई एन हो गया। अब इसको बच्चे तुम बी मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करो इसको, तो ये क्या लिखा हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई लिखा है, तो क्या होगा, ए का इन्वर्स बी हो जाएगा, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी। और बी किसके इक्वल लिखा है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, प्रूफ हो गया। तो ए इन्वर्स हमें क्या मिला फाइनली, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, रट्टा मार जाओ, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर टू, क्लियर है आई थिंक आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था हमारा पेज नंबर 114। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर थ्री में, प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या बोल रहा है वो देख लो, ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी थ्री बोल रहा है कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट लो, या डिटर्मिनेंट पर पावर माइनस वन ले लो, या वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए ले लो, ये इक्वल है। मतलब क्या, सुनो, ये जो लिखा हुआ है ना ए टू द पावर माइनस वन, ये इनवर्स लिखा हुआ है, ये इनवर्स नहीं लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट ए पे पावर माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि किसी भी तुम ए इनवर्स का तुम डिटर्मिनेंट लो, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, वो रियल नंबर किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर माइनस वन के इक्वल है, जो कि वन अपॉन डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। फिर से एक बार, ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा, वो डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए के इक्वल है। और ये तो डिटरमिनेंट ए क्या हमारा, एक तो रियल नंबर है, तो इसको तुम रेसिप्रोकल फॉर्म में तो लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ए टू द पावर माइनस वन। अब प्रूफ कर लेते हैं इसको, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे ये किसी मैट्रिक्स पर पावर माइनस वन है ना, इसको तुम डिटर्मिनेंट से बाहर कर दो, इसे खींचो माइनस वन को बाहर कर दो, अब ये आ जाएगा, तो ये तो एक रियल नंबर पे पावर माइनस वन है, तो ये वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाए, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ बहुत सिंपल है, प्रूफ है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए सॉरी ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई के इक्वल होता है, होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई आ जाएगा, ये इसके भी इक्वल होता है, इनवर्स इनटू ए के इक्वल होता है। अब हमने क्या किया, इसको उठाया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, मैंने ऑलरेडी बता रखा है सॉरी कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, क्लियर है यहाँ पे। इसमें हमने क्या कर लिया, ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये हो गया वन के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर माइनस वन, ये प्रूफ हो गया। रट जाओ इन सब थ्योरम को, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फोर में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर फोर बोल रहा है कि तुम्हें के इंटू ए का इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स बाई के। तो इसको तुम याद कैसे रख सकते हो, कि जैसे कि तुम ऐसे याद रख सकते हो, बट ये याद रखने का तरीका, ये लॉजिक नहीं है, कि अगर तुम के इंटू ए को तुमने किया ना, क्या बोल रहा है, के इंटू ए इनवर्स, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है, ये फोर है, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी फोर क्या बोल रहा है, के इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन के। याद रखने का बता रहा हूँ, ये लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, कि तुम इसको कैसे लिख लो, के इनवर्स इंटू ए इनवर्स,
इज इक्वल टू ए इनवर्स बाई के। अब ये तो ये इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इनवर्स, और ये तो के स्केलर है, ये पावर माइनस वन ही यहाँ जाएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ देख लो। प्रूफ के लिए हमने क्या किया कि a इंटू ए इनवर्स ये किसके इक्वल होता है, i के, तो इसको हमने कर दिया रिप्लेस a बाई के, a के से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब बच्चे ये बताओ कि ये जो है हमारा तो ट्रू है ना फॉर ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हमने के ए मैट्रिक्स को भी मान लिया नॉन सिंगुलर है, तो इसको हमने ए को के से रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिला, के ए इंटू के ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई मिल गया, मिल गया ना। अब ये तो के तो स्केलर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो गया ए इंटू के ए का इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन के इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ए हमारा क्या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, के का इनवर्स लिखा है, तो के ए का इनवर्स लिखा है तो डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अगर डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू जीरो, के को भी हमने नॉन जीरो माना है, तो के इंटू, ऐसे तुम देखो ए हमारा क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, के हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो के जीरो के इक्वल नहीं है, तो के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको तुम अंदर ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। तो फिर तुम इसको ऐसे देख लो कि हमने ये मान लिया कि यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाया ना, सॉरी इतना करने की जरूरत नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी लगाया, के इंटू ए मैट्रिक्स इंटू के ए मैट्रिक्स का इनवर्स, तो जैसे ही मैंने इनवर्स बोला वैसे ही क्या हो जाएगा, के ए जो होगा इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, जैसे इनवर्स बोला इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे के भी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तो क्या ले लिया, के टू द पावर, मान लो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है, तो के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, के टू द पावर एन से डिवाइड कर दिया, के हमारा अगर जीरो नहीं है तो के टू द पावर एन भी जीरो नहीं है, तो के टू द पावर एन से डिवाइड कर दिया तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स से अब हमने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ए इनवर्स, ये क्या हो गया, ए इंटू के ए का इनवर्स, ये क्या हो गया, ये तो स्केलर है, ये हो गया ए इनवर्स इंटू आई, इसमें इसके ये लगा दोगे एसोसिएटिव रूल लगा दोगे तो ये आई हो जाएगा, आई इंटू के ए का इनवर्स, ये ए इनवर्स आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स अपॉन के, तो यहाँ से आई इंटू दिस मैट्रिक्स, ये हो जाएगा के ए मैट्रिक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन के, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो दोबारा वीडियो देखो, डाउट पूछो, ठीक है, बट सॉरी यहाँ पे डाउट पूछ लो दोबारा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ठीक है।